नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का जिला कारागार में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार में बंदियों को कंबल वितरित किए और बंदियों के साथ संवाद भी किया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की पुस्तक भी भेंट की। मंत्री जी, आज सहारनपुर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम? देखिए, सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब सर्दियों का समय आता है तो अभियान चला करके हम जिन कैदियों से, बहुत से कैदी हर जेल में ऐसे हैं, 100, 150, 200, जिससे उनके परिजन कोई मिलने नहीं आते, तो क्या अभियान चला करके उन कैदियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। और कानपुर की जेल में पहली बार अभी इस समय इस सर्दियों में कंबल वितरण करने गए थे। प्रयागराज के सैदाबाद ब्लॉक के ग्राम सभा महिटिकर में नए साल के प्रथम दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल मुख्य अतिथि रहे, जिनका ग्राम प्रधान राजपति पटेल ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, जिसका मतलब गाँव, प्रदेश और देश को विकास की ओर ले जाना है। इसलिए हर एक ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण किया गया, ताकि ग्राम सभा में गरीब और पात्र लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि योजनाओं को चलाकर पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे सैदाबाद के खंड विकास अधिकारी राम खिलावन श्रेष्ठ। उपस्थित ग्रामवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कार्यक्रम में आए हुए बुजुर्गों को माला पहनाकर उनका हालचाल जाना। कार्यक्रम में मौजूद महिटिकर ग्राम सभा की सुमित्रा पटेल, जो 8 माह की गर्भवती को ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह और खंड विकास अधिकारी राम खिलावन सेठ ने गर्भवती का हालचाल जाना और कुछ उपहार दिए। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान राजपति पटेल ने आए हुए समस्त अतिथियों और ग्रामवासियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह पटेल ने किया। हिट एंड रन नए कानून को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए नए कानून का विरोध तेज हो गया है। नए साल के मौके पर ऋषिकेश में ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं से जुड़े ड्राइवरों ने हड़ताल कर नए कानून को काला कानून बताते हुए विरोध किया। ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही चालकों ने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर चालकों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी केंद्र सरकार को दी है। बता दें कि नए साल के मौके पर हड़ताल होने से स्थानीय लोग और पर्यटक परेशान होते हुए दिखाई दिए। चोरी छिपे जो भी टेम्पो, ई रिक्शा और ऑटो चलाते हुए दिखा, उन ड्राइवरों ने उनको भी चलाने से रोक दिया। कई जगह जबरदस्ती वाहन चलाने को लेकर नोकझोंक भी होते हुए दिखाई दिया। ई ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि उनके यूनियन के वाहन 3 जनवरी तक नहीं चलेंगे। टेम्पो यूनियन महासंघ के अध्यक्ष विनय श्रावस्त ने बताया कि महासंघ से जुड़े सभी चालक केंद्र सरकार के नए कानून का विरोध करते हैं। जो सरकार द्वारा एक्सीडेंट के प्रति, जो ड्राइवरों के प्रति काला कानून लाया जा रहा है, उसके प्रति आज सभी यूनियनों के द्वारा, सभी चालकों के द्वारा एक निर्णय लिया गया था। इसमें हम चक्का जाम रखें, क्योंकि जब दुर्घटना होती है, कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि दुर्घटना हो, और दुर्घटना होने पे वो ड्राइवर हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूर उसके मन की चाहत होती है। पर उस टाइम जो उगर लोग होते हैं, कुछ जो जनता भीड़ होती है, वो उस ड्राइवर को मारने पे उतारू हो जाती है, गाड़ी में आग लगा देती है, तो शासन प्रशासन उस। फतेहपुर जिले के शादीपुर स्थित प्लेवेस इंग्लिश स्कूल में नए वर्ष 2024 के अभिनंदन स्पेक्ट्रम 23-24 कार्यक्रम के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तरह तरह के स्टॉल लगाकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नए वर्ष का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया।
वहीं पूरे स्कूल परिसर को रंग बिरंगे झालरों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इसके साथ ही पोस्टरों से भी उस पूरे विद्यालय को सजाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल की संस्थापिका सहनाज फातिमा जाफरी ने दीप प्रज्वलन करके किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला जज धनेश प्रताप सिंह का स्कूल के प्रबंधक हुसैन अख्तर जाफरी ने पुष्पगुच्छ दे करके मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। वहीं प्रबंधक ने बताया कि आज नए साल से पहले हमारे स्कूल की छात्र छात्राओं ने वर्ष 2024 के स्वागत समारोह को अपनी कला के प्रदर्शन को दिखाते हुए खाने की तरह तरह के स्वादिष्ट डिश के स्टॉल लगाकर विक्रय किया, जहां कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और अभिभावकों ने भोजन का आनंद लिया। साथ ही बच्चों ने फैंसी ड्रेस की प्रस्तुति में डॉक्टर की टीम सहित सैनिक उत्तराखंड के निवासी सिंघम परिचाय वाला हनीबी चाय चाचा नेहरू राधा कृष्ण भगत सिंह सेंटा क्लॉज मिस इंडिया आदि तमाम तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हुए नववर्ष का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के छात्र छात्राओं ने तरह तरह के खान पान के स्वादिष्ट भोजन के स्टॉल लगाकर प्रतिभाओं को दिखाया है। ये मेरे स्कूल हमेशा से स्कूल फतेहपुर का प्रयास रहा है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर सदैव उनका प्रयास रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, और ये कार्यक्रम जो है वो उसी दिशा की एक कड़ी। बच्चों का फैंसी ड्रेस शो है, स्टॉल्स लगाई हैं बच्चों ने जिसमें तरह तरह की चीज़ें उन्होंने अपना होममेड प्रोडक्ट्स उन्होंने जो तैयार किए हैं, कुछ खाने की चीज़ें तैयार करी हैं, चाय है, कॉफी है, हलवा है और छोले भटूरे हैं, तरह तरह के अन्य खाद्य पदार्थ जो बच्चों ने और अपने अभिभावकों की मदद से तैयार किए हैं। कानपुर प्रेस क्लब में हर साल की भांति इस साल भी सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसी के तहत तहरी भोज का आयोजन भी पत्रकारों के लिए किया गया। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने कहा कि पिछले 8 सालों से हर साल का पहला दिन हनुमान जी की पूजा के साथ शुरू करते हैं। साल के दूसरे दिन कुरान खवानी होती है। सभी पत्रकार साथी एक मंच पर साथ हों, यही इस वर्ष से कामना है। वहीं महामंत्री शैलेश अवस्थी ने कहा कि नए साल पर सभी पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता करें, ये साल हम सब देशवासियों के लिए सौभाग्यशाली हो, यही कामना है। इस मौके पर कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडे, कोषाध्यक्ष सुनील साहू, उपाध्यक्ष गौरव श्रावस्त, वरिष्ठ मंत्री मोहित दुबे सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। इस मनसा के साथ काम कर रहा है कि साल का पहला दिन पूजन अर्चन के साथ शुरू हो, ताकि आने वाले समय में संकट मोचन पत्रकारों और उनके परिवार के सभी लोगों के संकटों को दूर रखें। रायबरेली में पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है, जहां घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गंगपुरा गांव का है, जहां बेखौफ चोरों ने समरजीत के घर का ताला तोड़कर अलमारी और बक्से में रखे सामान चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। सुबह जब परिजनों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर अलमारी का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात गायब है। चोरी की सूचना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। पीड़ित के मुताबिक सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लगभग 3 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 3 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा 25,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रेसवार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया है कि थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर शराब तस्कर अजमेर सिंह, करमवीर सिंह ढिल्लो उर्फ विक्रम सहित सतवीर सिंह को दिल्ली रोड पर पैरामाउंट कॉलोनी के पास से षड्यंत्र कर तस्करी के लिए ले जाने वाली अवैध शराब को ट्रक में ऊपर अन्य सामान लाद कर धोखाधड़ी कर
फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले जाते समय गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4 पेटी अवैध शराब, ब्लू अंग्रेजी और गैर प्रांत चंडीगढ़ मार्ग डाइपर घटना में प्रयुक्त एक ट्रक, एक फॉर्चुनर कार समेत 3 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में सैकड़ों की संख्या पर ट्रक चालकों ने ट्रकों को हाईवे पर रोककर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के इसके साथ ही केंद्र सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नए व्हील एक्ट कानून को लागू किया तो सैकड़ों की संख्या में ट्रकों को खड़ा कर जाम लगा दिया गया। ट्रक चालकों ने ट्रक को खड़ा करके विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई। ट्रक चालकों की माने तो नए कानून में ट्रक चालकों की दुर्घटना के बाद 10 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना कैसे अदा कर पाएंगे वो लोग, जबकि वो स्वयं 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। वहीं इसका विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में छोटे वाहन सहित बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। मौके पर पहुंचे एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन चालकों का कहना था कि सरकार द्वारा जो नए कानून बनाए गए हैं इसमें तत्काल संशोधन किया जाए, नहीं तो ट्रक चालक और बस चालक स्टीयरिंग को नहीं पकड़ेंगे, पूरे भारत में चक्का जाम होगा। इसलिए लगाया है, जो पहले जो हमारा चल रहा था वो ठीक था, अभी जो नया कानून लगाया है तो सर एक बार बताओ इसमें कहाँ से ड्राइवर के घर से घर की पूर्ति नहीं हो रही। अभी जैसे बोल रहा है 10 लाख रुपए का जुर्माना है, 7 लाख का जुर्माना है, 10 साल की सजा है, तो ड्राइवर सर कौन गाड़ी चलाएगा इसे। नए साल के पहले दिन पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने यातायात पुलिस के नए कार्यालय चेक पोस्ट का फीता काटते हुए भव्य उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह की यातायात पुलिस टीम सहित स्थानीय जनता को नए साल का ये तोहफा दिया गया है। महोबा ट्रैफिक पुलिस का एक नया कार्यालय छतरपुर रोड पे आज इसका उद्घाटन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है यातायात पुलिस की, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी है, ये छतरपुर रोड पे, क्योंकि आप लोग अवगत हैं मेन हमारी रोड है, कनेक्टिंग रोड है बड़े बड़े जनपदों की, और ये बहुत ही अच्छी जगह पर इसको बनाया गया है। इससे जनता को जरूर ही सहयोग होगा, उनके लिए इजी होगा, क्योंकि हमारा पुराना कार्यालय लाइंस में था और वहां जाना पड़ता था लोगों को, अब वे अपने रास्ते में घर बार दुकानाते भी अपने कार्य कर सकते हैं जो भी उनके रिलेटेड हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान को लेकर कहा कि मुसलमान किसी के मोहताज नहीं है। वहीं नहीं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से कहा कि वोट का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त मुसलमान बहुत दुखी है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं जानती हैं कि उनके शौहर और लड़के मारे गए, सरकार के लुभावने वाले कार्यक्रम मुस्लिम महिलाओं के लिए खतरनाक हैं, इसलिए उन्हें वोट ना दें। देखिए, ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है, लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ही कहेंगे कि भाई कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने नए साल का आगाज अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़कर किया है। दरअसल तड़के सुबह पुलिस ग्रामीण इलाके में चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नहर के किनारे सरसों के खेत में झोपड़ी बनाकर कुछ लोग अवैध हथियार बनाने का और उनको बेचने का कारोबार करने में जुटे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पुलिस टीम को एकत्र करके दबिश देकर खेत की घेराबंदी की। दबिश के दौरान पुलिस ने झोपड़ी में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को झोपड़ी में अवैध शस्त्र बनाने का सामान, 3 बने हुए तमंचे, 2 निर्मित देसी बंदूकें, इसके अलावा अर्धनिर्मित तमंचे और देसी बंदूक बनाने का सामान पुलिस ने बरामद किया है।
पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आरोपी पूर्व में भी अवैध हथियार के मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा उस पर कई अन्य आपराधिक मामले में भी मामला दर्ज है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी अवैध हथियार बनाकर लोगों को बेचते हैं। पुलिस इसे बेचे गए हथियार के बारे में भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज दिनांक 1/1/2024 की प्रातः में थाना मझिला थानाध्यक्ष सुब्रत तिवारी और उनके टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि शिव नगरी नहर पटरी के किनारे कुछ लोग किशन के सरसों के खेत में झोपड़ी में अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने वहां पर छापा मारा। छापा के दौरान वहां से दो व्यक्ति पकड़े गए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।